कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ना, आप सबको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आप सबको बहुत पसंद आती है ये रीडिंग। जब भी हम करते हैं ना, आप सबका सबसे जो कहते हैं ना पसंदीदा जो टॉपिक है हमारे चैनल का, वो यही है कि जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं, आपके पर्सन की वर्तमान जो सोच है आपके प्रति, वो क्या है, ये जानना चाह रहे हैं आप। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। किसी के बारे में भी आप जान सकते हैं, कोई भी पर्सन है, ये आपका लव पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, आपका लाइफ में कोई व्यक्ति है जो बहुत महत्व रखता है। आप उसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं फ़िलहाल, अभी वो क्या सोच रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं वो सोच रहे हैं, जैसे आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी कुछ है वो कार्ड्स में पता चलेगा। आपके सामने यहाँ पर तीन नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो जो नंबर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वो नंबर चुन लीजिए। आज की जो रीडिंग है, मैंने आपको बता ही दिया है कि टॉपिक क्या है आज का। आज का टॉपिक हमारा यही है कि जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। ठीक है, तो रीडिंग को जब भी आप देखें तो एक बात का ध्यान रखिए कि ये एक तरह की जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस मत हो जाइएगा जब तक कि आपसे रीडिंग कनेक्ट ना हो। अगर रीडिंग कनेक्ट होती है और आपका दिल कहता है कि आपको फॉलो करना चाहिए, तो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप इसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर अप्लाई कर लें। आप चाहें तो इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं रीडिंग पर। उम्मीद करते हैं कि अब तक तो आपने अपना जो भी आपको सेलेक्ट करना था नंबर, तस्वीर देख के आपने सेलेक्ट किया, या फिर अपनी इच्छा से जो भी आपका मन किया होगा सेलेक्ट करते समय। आइए अब हम देखते हैं जल्दी से। 1 2 3 करके जो नंबर्स आपको दिख रहे थे, अब हम उन्हीं नंबर्स के कार्ड रखेंगे यहाँ पे और आपके सामने। चलिए, अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड और एक नंबर थर्ड। तो अब ये तीन नंबर्स आपके सामने, जो अभी तक आपको कार्ड दिखाई दिए, तस्वीरें दिखाई दी, उनके हिसाब से अगर आपने सेलेक्ट करना चाहा था तो आपने कर लिया होगा। लेकिन फिर भी अगर अभी भी आप सोच रहे हैं, तो ये है फर्स्ट नंबर, ये है सेकेंड नंबर और ये है थर्ड नंबर। अब आप देख लें, इसके बाद नहीं। ठीक है, हम आ जाते हैं फर्स्ट नंबर पे। अगर आपने फर्स्ट नंबर चुना है और जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो इंसान फ़िलहाल आपके बारे में अभी क्या विचार अपने दिल में रख रहे हैं, क्या दिमाग में रख रहे हैं, जो भी कुछ होगा रीडिंग में पता चलेगा। लेकिन आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए, कमेंट करने से जो रीडिंग है ना, वो आपसे कनेक्ट ज़रूर होगी। तो चलिए हम देखते हैं नंबर फर्स्ट। देखिए, ये जो व्यक्ति है ना, आपको लेके एक पॉजिटिव सोच है इनकी। और अगर कोई काम की वजह से ये इंसान आपसे जुड़ा है, तो इनको ऐसा लगता है कि अब आपके पास आने से मेरा काम हो जाएगा। विश्वास कर रहे हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा एक तरीके से खुद को टेंशन फ्री कर पा रहे हैं। ये आपके होने से बहुत अच्छा महसूस करते हैं जब भी आपके साथ होते हैं, आपसे जुड़े हैं जब से, तब से इनको लाइफ में टेंशन कम हो गई है, इनको बहुत सुकून मिलता है आपसे बात करके। आपकी जो एक कहते हैं ना, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव लगती है इनको, तो आपसे ये कनेक्ट रहना चाहते हैं, साथ में एक तरीके से इमोशनली कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इस कार्ड की, आपके पर्सन की, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना डाउट रखना चाहिए, बहुत सारा प्यार है जो ये आपको देना चाहते हैं। दोस्ती है तो दोस्ती वाला प्यार जो होता है, अगर लव पार्टनर है तो लव पार्टनर वाला प्यार जो होता है, लाइफ पार्टनर है तो सेम फीलिंग। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जैसा कि आज का टॉपिक है। फिलहाल जो इंसान की सोच है आपके प्रति ना, बहुत पॉजिटिव है नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं नंबर सेकेंड, हमें क्या पता चलता है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। कमेंट करने से क्या होता है ना, कि अगर आपकी एनर्जी कनेक्ट नहीं हो पाती है चैनल से, आप जो भी कुछ देखते हैं वो आपके लाइफ में नहीं होता है, तो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। इससे क्या होगा ना, कि जो भी कुछ आप देख रहे हैं अगर बहुत पॉजिटिव है, तो वो आपके लाइफ में ज़रूर होगा। नंबर सेकेंड, आइए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, उनकी सोच आपके लिए क्या है।
देखिए बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं ये इंसान आपको लेके अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन एक सोच इसने बना रखी है आपके लिए। सेवन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया जो कहीं ना कहीं दिखाता है ना कि ये इंसान आप पे कभी भरोसा नहीं करेगा, कभी भी बहुत पूरी तरीके से कहते हैं ना एक प्यार वाला रिलेशनशिप जो बन जाता है जिसमें इंसान बहुत भरोसा करता है आँख बंद करके करता है ना, वैसा वाला भरोसा नहीं है। अगर इस इंसान से आप किसी काम से जुड़े हुए हैं ना तो ये व्यक्ति आपको धोखा भी दे सकता है, अपना फ़ायदा देख रहा है ये इंसान। अगर काम नहीं है, अगर रिलेशनशिप में है और आपने किसी इंसान के लिए चुना है तो रिलेशनशिप वालों के लिए भी मुझे नहीं अच्छे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, ऐसा लग रहा है ना ये इंसान आपसे बस मतलब से दोस्ती रखा है। जिस दिन इनका मतलब या फिर मतलब होगा या फिर उनका मन भर जाएगा, ठीक है आप समझ सकते हैं इस फीलिंग्स को, तो ये इंसान आपके लाइफ से जा भी सकता है। ठीक है, तो अगर ये आपसे कनेक्ट हुआ है और आपको पता है कि हाँ ऐसा ही है सब कुछ, तो ही आप इसको फॉलो कीजिएगा। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर बात आप ही के लिए हो, हो सकता है कि कुछ ही लोगों के लिए हो, कुछ ही कम लोग होंगे जो इस रीडिंग को सुन रहे होंगे। नंबर सेकेंड, तो यहाँ एनर्जी बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, फिलहाल जो एनर्जी चल रही है आपके प्रति, जो सोच चल रही है इनकी, वो भी बहुत अच्छी नहीं है। जैसी सोच चल रही होगी स्वाभाविक सी बात है कि वो इंसान ने भी सेम सोच अपने लिए रखी होगी, वो वैसा ही होगा, वो किसी के साथ वैसा करता होगा। और आपके बारे में अगर वो ये सोच रहा है कि आप ऐसा सोचते हैं कि आप अपने फ़ायदे के लिए कनेक्ट हैं, तो सेम बात है कि वो भी अब सेम चीज़ कर रहे होंगे। ठीक है, उन्हें नहीं लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, उनको लगता है कि आप बहुत कुछ छुपाते रहते हैं, बहुत गेम करते रहते हैं, बहुत प्लान करते रहते हैं, अच्छी एनर्जी नहीं है। ठीक है, आने वाले समय में इनकी सोच बदलेगी, लेकिन ये भी बात है क्योंकि सेवन ऑफ सॉर्ड्स से आने वाले समय में इनकी जो एनर्जी है ना वो चेंज होगी। हो सकता है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं आपको या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसी सोच बन गई है, आने वाले कुछ समय में इनको चीज़ों का एहसास भी होगा कुछ बातों का, जिससे ये अपनी सोच को फिर से एक बार चेंज करेंगे आपके लिए। आइए अब हम देखते हैं नंबर थर्ड। तो जिसने भी नंबर थ्री चुना है, आइए सुनते हैं, जानते हैं और कमेंट कीजिएगा अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो। कमेंट करने से एनर्जी कनेक्ट होगी आपसे। नंबर थ्री अगर आपने चुना है तो आइए देखते हैं हमें क्या पता चलता है। टेन ऑफ कप की एनर्जी है, अब क्या जानना है आपको बहुत पॉजिटिव इंसान है ये, ठीक है आपको इन पे बहुत डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छी सोच रखते हैं ये, आपके साथ ये जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, सब कुछ ये प्लान कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ। आपके लिए सोच इनकी बहुत पॉजिटिव है, आपको समझते हैं अपने जीवन का सबसे खूबसूरत इंसान, सबसे ज़्यादा यकीन करने वाला इंसान, मतलब सब कुछ है आप इनके लिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, तो इस इंसान पे आपको डाउट नहीं करना चाहिए, ये आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या फिर अभी आप जल्द ही इनसे मिले होंगे या फिर कुछ महीनों पहले आप इनसे मिले होंगे। कुछ महीनों में लगभग 10 महीने की बात मैं यहाँ कर रही हूँ, ये नहीं कि आप एक आध महीने पहले मिले हों, एक आध पहले महीने भी आप मिले होंगे ना तब भी इनकी जो फीलिंग है ना आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, आपके प्रति ये सोच बहुत अच्छी रख रहे हैं, सिंपल सी बात है, इंसान जैसी सोच रखेगा वो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं और बहुत पॉजिटिव आपको इनका साथ भी लगेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है मैम पर्सनल रीडिंग के लिए, तो पर्सनल रीडिंग फ़िलहाल जो है वो अभी नहीं हो रही है, जब होगी तो मैं बताऊंगी। और बहुत सारे लोगों ने फेक आईडी बना के रख ली है, ठीक है, मेरे नाम से मेरी प्रोफाइल फ़ोटो यूज़ करके, जिसमें मोबाइल नंबर भी दिया जाता है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों को आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अब मैं रिपोर्ट करते करते थक चुकी हूँ, कितना रिपोर्ट करूँ, बहुत टाइम नहीं होता हमारे पास, और जब दिख जाता है कोई कमेंट तो रिपोर्ट हो जाती है, लेकिन बहुत सारे कमेंट जो होते हैं वो स्किप हो जाते हैं और इतना समय नहीं होता है कि हम कमेंट खोज खोज के रिपोर्ट करें। अब एक कमेंट हो, दो कमेंट हो तो आदमी डिलीट करेगा, रिपोर्ट करेगा, या हज़ारों की संख्या में कमेंट्स आते हैं इस तरीके के, तो आप भी सोच सकते हैं कि कितने कमेंट्स आते होंगे इस तरीके के, जिसमें फेक आईडी बना के सेम मेरे नाम की आईडी, सेम मेरे प्रोफाइल की आईडी। तो अब आप लोग के ऊपर है कि आप ऐसे लोगों से सतर्क रहें, आप अपनी हिफाजत खुद करें। कोई भी नंबर कहीं से भी आपको मिलता है तो कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आपको कॉल करने की या फिर व्हाट्सअप करने की, ठीक है, आप किसी बहुत बड़े मुसीबत में भी फंस सकते हैं। ठीक है, आप पता नहीं है सामने वाले का क्या
मोटिव है, आपके साथ ऐसा नंबर शेयर क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। तो इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़िएगा। आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आपको ये बातें बता दूं कि मेरा कोई नंबर मैंने कभी भी शेयर नहीं किया है फेसबुक पे या फिर व्हाट्सअप पे। फेसबुक पे तो मैं हूँ ही नहीं, तो वहाँ की तो बातें आप छोड़ दीजिए, मैं आपको बस यूट्यूब पर मिलूँगी। तो बस यूट्यूब पर आप हमारे साथ जुड़े हैं और यूट्यूब पर मैंने कभी कोई नंबर शेयर नहीं किया है। तो ये बातें मैंने कई बार क्लियर की हैं और आज भी मैं क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल कुछ ज़्यादा ही मैसेजेस आ रहे हैं इस तरीके के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।